तो भाई 2018 में नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई थी बर्ड बॉक्स, जिसके कॉन्सेप्ट ने मेरा दिमाग हिला दिया था। मूवी में एक दिन अचानक से हवा में कुछ दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद सब एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। वो चीज क्या है, कैसी है, कहां से आई है, किसी को कुछ नहीं पता। अब लोगों को यहां सर्वाइव करना है और कुछ देखना भी नहीं है, अगर देखा तो तुम मरे। ये पूरा कांड पूरी दुनिया में हुआ था। तो वही स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए बार्सिलोना की स्टोरी दिखाते हुए एक मूवी आई है, बर्ड बॉक्स बार्सिलोना। इस मूवी में भी पहली मूवी के जैसे एक ग्रुप है, जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान सब शामिल हैं। बस एक चीज अलग है कि मूवी में एक बंदा है जो उस क्रिएचर को देख सकता है, और वो भी उस ग्रुप का पार्ट है जिसको एक सेफ प्लेस तक जाना है। पर उस बंदे का मकसद उन सबको एक सेफ प्लेस तक लेके जाना नहीं, उन सबको उस क्रिएचर को दिखाना है। पर उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, उनमें से किसी एक को भी ये नहीं पता कि घर का भेदी ही लंका ढाने वाला है। अब देखना ये है कि क्या वो सब एक सेफ प्लेस तक जा पाएंगे, या वो बंदा उन सबको वो क्रिएचर दिखाने में कामयाब हो पाएगा। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब सिर्फ एक, बर्ड बॉक्स बार्सिलोना। तो चलो अब मूवी के बारे में कुछ बातें जान लो। बर्ड बॉक्स बार्सिलोना में मुझे एक चीज की कमी लगी, वो है थ्रिल। 2018 में आई बर्ड बॉक्स, अगर तुमने देखी हो, अगर ना देखी हो तो भाई उसको जाके पहले देखो, क्योंकि उसमें जो थ्रिल का लेवल है उसके मुकाबले ये मूवी काफी फीकी पड़ जाती है। मूवी एक ही फ्लो में चलती जा रही थी, कहीं पे भी एक भी ऐसा मोमेंट नहीं आया जो मेरी दिल की धड़कनों को ट्रेन की स्पीड पे दौड़ने पे मजबूर कर दे। अगर ये थ्रिल वाले पॉइंट पे इतना ध्यान ना दिया जाए तो ये मूवी तुमको बहुत सारी डिटेल्स भी देती है। जैसे कि इस मूवी में पहली बार हमको उस क्रिएचर की शैडो दिखाई दी, और जिस सेफ हाउस तक वो ग्रुप जाना चाहता था वहाँ पे किसी तरह की साइंटिफिक रिसर्च चालू है ताकि वो ये सब रोक सके। इसके अलावा और भी डिटेल्स है जो मूवी में हमको काफी छोटी छोटी टाइमिंग पे दिखाई जाती है, अगर तुम इस मूवी को स्किप करके देखोगे तो तुम वो सब मिस कर दो। हालांकि काफी जगह पे इस मूवी को स्किप करने का मन तो करता है, बट हम सख्त लौंडे हैं, स्किप नहीं करेंगे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या 2018 वाली मूवी 2023 वाली मूवी से कनेक्टेड है? तो नहीं। अगर 2018 वाली मूवी ना देखी हो तो 2023 वाली मूवी देख सकते हैं, हाँ, पर फिर भी देख लेना, क्योंकि बर्ड बॉक्स की कहानी को इसके भी आगे बढ़ाया जाएगा, तो हो सकता है पहली मूवी को आने वाली मूवी से कनेक्ट किया जाए। और वैसे भी 2018 वाली बर्ड बॉक्स का एक्सपीरियंस बेटर है। तो अगर तुम एक बड़ी फ्रेंचाइजी को अपनी आंखों के सामने बढ़ता हुआ देखना चाहते हो तो बर्ड बॉक्स और बर्ड बॉक्स बार्सिलोना दोनों फिल्मों को देख मारो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, सिनेमा से रिलेटेड छोटी छोटी अपडेट चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर लेना यार।